तो गाइस ये है हमारा खूबसूरत होटल जहाँ पे हम रह रहे थे, राविस्टा होटल एयरपोर्ट के। और गाइस हम होटल से निकल के ये कौन से मेले में आ गए, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई हमारे साथ। और फिर यहाँ पे इतना टेस्टी बेकरी, गाइस ये कौन सी बेकरी है जहाँ पे इतना टेस्टी टेस्टी आपको फूड आइटम्स, यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो गाइस वेलकम टू माई चैनल अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मैं देख रहे थे कि राविस्टा स्टेकेशन के लिए हम आए थे, और अभी हम मैं और मम्मी सोच रहे कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं होटल से और देखते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आसपास क्या कुछ है, कुछ घूमने लायक है भी कि नहीं। अपने शहर में गाइज हम घूमने के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी फ़नी चीज़ है, ये देखो गाइज रिसेप्शन एरिया कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट कलर्स है। तो गाइज जब आप स्टेकेशन करते हो ना, तो देखो आप अपने शहर में ही रह के आप हर एरिया तो नहीं घूमते ना, हर एरिया आप नहीं पहचानते। तो कभी कभार लोकल घूमना और ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए बाहर निकलना और माइंड फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे तो गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सब कुछ है, तो चलो देखते देखते थोड़े रास्ते में निकलते हैं और चलते हैं। और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, ये देखिए गुरुद्वारा है हमारे सामने, काफ़ी अच्छा वेदर था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा चला जाए, होटल में क्या इतने देर तक बैठे रहेंगे, कोई साइट सीन तो नहीं है अपने शहर में। तो इसी के लिए हम निकल पड़े, और निकलते हुए हमें लग रहा था कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए क्योंकि हम अम्ब्रेला भूल गए। तो गाइस थोड़ा दूर चलते हुए हमें मिल गया ये मेला, बहुत मस्त सा मेला था, छोटू सा था, बहुत बड़ा तो नहीं था, बट हाँ तो चलो थोड़ा मेला में ही घूम लिया जाए, थोड़ा सा टाइम पास भी हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये मेला में घूमने आए, यहाँ पे देख ही रहे थे हम काफ़ी सारी चीज़ें। और ये देखिए गाइस इतनी खूबसूरत काली माँ की मूर्ति सामने, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे देखिए शिव जी की भी मूर्ति है, और आरती एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही थी क्योंकि शाम का टाइम था जब हम लोग यहाँ पे आए थे, आई थिंक 6:15 हो रहे होंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम बिताया, और वहाँ पे जय करने के बाद, आरती हो रही थी, वो सब होने के बाद हम आ गए थोड़ा बहुत स्टॉल देखने के लिए। और गाइस देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ज्वेलरी है, कुर्ती है, काफ़ी कुछ इस मेले में लगा हुआ था। मुझे नहीं पता ये मेला यहाँ पे कितना दिन तक रहने वाला है, बट मुझे लगा था कि हम होटल से बाहर निकलेंगे और कुछ भी टाइम पास करने के लिए नहीं मिलेगा, बट देखिए इतना प्यारा सा मंदिर मिला हमें, जो हमें बहुत अच्छा लगा। आरती देखा हमने काली माँ का, फिर उसके बाद हमें ये भी दिख गया, मेला भी घूम लिए। मुझे और मम्मी को लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो मम्मी को मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने कैफ़े देखा था, कैफ़े कम बेकरी, डाओ एज़ यू लाइक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो गाइज़ ये है वो कैफ़े, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डाओ एज़ यू लाइक जो कैफ़े है, कैफ़े कम बेकरी एक्चुअली है। इससे पहले मैंने कभी भी इनके आउटलेट में कैसे डायरेक्टली आके नहीं खरीदा, हमने पेस्ट्री ऑर्डर किया था, मम्मी ने अपना कुछ और ऑर्डर किया। तो हम लोग जो भी ऑर्डर इसमें कभी भी केक वेक मंगवाए हैं तो हमेशा ऑनलाइन मंगवाए, कभी भी आके इस आउटलेट में आके नहीं खाया। बट एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा है, मैंने तो पेस्ट्री लिया, बाकी सारी चीज़ें नहीं मैंने ऑर्डर किया कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारा बस स्नैक्स हल्का सा कुछ खाने का मन था, इतना कुछ एपेटाइट नहीं था इतना हैवी कुछ खाने का। तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन, लेमन आइस टी, वर्जिन मोहितो वगैरह ये सब भी थे, शेक वगैरह भी था। बट मैंने जब इनसे पूछा कि आपके पास अभी कौन सा मोहितो आइस टी है, तो बोले नहीं मैम अभी नहीं है। तो पता नहीं क्यों तब लिखा ही क्यों है, या फिर लिख देते कि नहीं है, तो फिर जो भी है मेरा दिल टूट गया वहाँ पर, मुझे लगा मुझे ये सब पीना है बट कुछ नहीं पी पाए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी चाय वाय पीने का मेरा मूड नहीं था, मम्मी का भी मन नहीं था, तो मैंने बस पेस्ट्री ली और मम्मी ने अपना कुछ लिया। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये देखो प्राइस मैं आपको दिखा दे रही हूँ सारी चीज़ों का, आप वहाँ पे पॉज करके देख लेना। पेस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है, आपको पेस्ट्री वगैरह लवर हो तो ये जगह आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे आके आप अलग अलग वैरायटी चिल करके बैठ भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, कॉफ़ी वगैरह पियो, एक्सप्रेसो वगैरह ये सब है यहाँ पे। मम्मी और हम लोग देखो यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि बाहर तेज़ बारिश चालू हो गई थी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।